उत्तराखंड से आई बड़ी खबर, एक्शन में मुख्यमंत्री धामी, खौफ में मंत्री, उठाया बड़ा कदम। मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जर्मनी जाने से पहले शहरी विकास विभाग में 74 कर्मियों के तबादले कर दिए। जब यह जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंची तो उन्होंने 24 घंटे के भीतर इन तबादलों पर रोक लगा दी। अग्रवाल के अनुमोदन के बाद शनिवार को शहरी विकास विभाग ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं में कार्यरत कर एवं राजस्व अधीक्षक, अधिशासी अधिकारी, कनिष्ठ सहायक से लेकर सफाई निरीक्षक के 74 पदों पर तबादले कर दिए थे। रविवार को मंत्री अग्रवाल ने उधर स्टडी टूर के लिए जर्मनी की उड़ान भरी तो इधर उनके किए तबादलों पर रोक लगा दी गई। अब बड़ा अपडेट मिला है कि धामी के इस सख्त एक्शन के बाद कैबिनेट मंत्रियों में खलबली मच गई है। इसका असर 24 घंटे के अंदर देखने को मिला है। दरअसल परिवहन विभाग में भी बहुत बड़े पैमाने पर तबादले की तैयारी थी, लेकिन 24 घंटे पहले सीएम धामी की सख्ती देखने के बाद परिवहन निगम के मंत्री चंदन राम दास ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। मंत्री चंदन राम दास ने अफसरों से अनावश्यक तबादले ना कराने और तबादलों संबंधी कोई फाइल ना लाने की बात कही है। मंत्री चंदन राम दास कहते हैं कि सिर्फ प्रमोशन और आवश्यक तबादले जो कि पोस्टिंग के आधार पर होने हैं उन्हें ही किया जाएगा। माना यही जा रहा है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के विभाग में हुए तबादलों पर विवाद को देखते हुए 24 घंटे में सूची निरस्त कर दी, इससे अन्य मंत्रियों में भी एक संदेश गया है और इसका ताजा उदाहरण कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का सामने आया है। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।